This video we will study about types of quadrilateral. First point parallelogram. इसको पहले देखते हैं parallelogram को. Parallelogram में opposite side equal and parallel होती है. ये AD equal to BC होता है और AD BC के parallel होती है. और AB equal to DC होता है और AD parallel AB parallel DC होता है. आप यहाँ देख सकते हैं. और diagonals are not equal होते हैं. AC, ये AC जो है, AC does not equal to BD. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other भी होते हैं इसमें. जैसे DO, DO is equal to OB और AO, AO equal to OC होता है. Second देखते हैं rectangle. Rectangle में opposite side equal and parallel होती है. AD equal to BC होगा और AD parallel BC होता है. AB, AB equal to CD होगा और AB parallel CD होगा. ये इसके parallel और equal, ये इसके parallel और equal होती है. Each 90 degree होता है. Angle A is equal to, angle B is equal to, angle C is equal to, angle D is equal to 90 degree. Diagonals are equal in rectangle. AC, AC is equal to BD होता है. आप यहाँ देख सकते हैं. Diagonals, diagonals bisect each other. इसमें bisect each other करते हैं. DO, DO is equal to OB होगा और OC is equal to AO होगा इसमें. और DO is equal to AO भी होगा. ये इसके 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 इक्वल भी होगा, लेकिन इसमें नहीं होता है. इसमें जो है AO does not equal to DO होता है. ये इसके इक्वल नहीं होता है, लेकिन इसमें ये इसके इक्वल होता है. अब इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट, स्क्वायर. डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट bisect each other at 90 degree. 90 degree पर bisect करते हैं, diagonals equal भी होता है. AC is equal to BD होगा और all sides are equal in square. AB is equal to BC is equal to CD equal to DA. ये चारों sides equal होती है इसमें. और इसमें AO, ये AO equal to OC, OC और DO, ये DO equal to OB होता है. और ये इसके equal भी होता है. DO equal to AO. फोर्थ पॉइंट देखते हैं रम्बस. रम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये चारों साइड इक्वल होती है इसमें. और डायगोनल्स डज नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होते हैं. AC डज नॉट इक्वल टू BD. ये AC जो है, ये AC BD के इक्वल नहीं होता है. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ये 90 डिग्री है. और ये OB, OB इक्वल टू OD होगा इसमें. और OC, OC इक्वल टू AO होगा. ठीक, ये इसके इक्वल नहीं होता है इसमें. DO डज नॉट इक्वल टू AO नहीं होता है ये, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है. इसके बाद इसको देखते हैं ट्रेपीजियम को. ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स जो होती है, वन पेयर साइड्स पैरेलल होती है. जैसे AB, AB पैरेलल DC, ये इसके पैरेलल होती है. वन नॉन पेयर इसमें होती है, वन नॉन पेयर साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं होती है. ये दोनों साइड जो है नॉन पैरेलल होती है. AD BC के नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, डज नॉट पैरेलल. और ये पैरेलल होती है साइड इसमें. और अगर इफ़ AD, AD इज इक्वल टू BC अगर हो जाएगा, AD इक्वल टू BC, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहते हैं. सिक्स पॉइंट देखिए, काइट ABCD. ये काइट का फिगर है. इसमें AB इज इक्वल टू AD होता है और BC इज इक्वल टू ये BC होता है. ये इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होती है. तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया.